हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लिए लाए हैं घर पे किस प्रकार से आसानी से एक कीपैड मोबाइल हम लोग बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी से। तो ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं, इस पर हम लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ एक मोबाइल फोन। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आसानी से एक मोबाइल हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो ये जो यहाँ पे हमने सिम लगा दिया है एक, और इसका पिन कुछ पिन है, तो पिन का नाम है, यहाँ पे जो फर्स्ट पिन है वो आप लोग एंटेना यूज करेंगे। तो एंटेना को यूज करने के लिए ये पिन पे कनेक्शन करना होगा। उसके बाद जो पिन आएगा वो होगा VCC, यानी कि हम लोग 5 वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा वो होगा रीसेट, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है, रीसेट का काम ज़रूरत नहीं है, रीसेट को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद होगा जो पिन आएगा वो होगा RX, इसके बाद जो पिन होगा TX, उसके बाद जो लास्ट पिन आएगा वो होगा ग्राउंड। तो इस पर हम लोग इस तरह प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर जो पिन है RS मतलब रीसेट को छोड़ के सभी पिन पे हम लोग कनेक्शन करेंगे, माइक्रोकंट्रोलर पे कनेक्शन करेंगे। तो TX को RX पे करेंगे, RX को TX पे कनेक्शन करेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो फर्स्ट जो पिन है वो होगा रिंग। तो रिंग के लिए आप लोगों को फर्स्ट पिन यूज़ करना होगा। उसके बाद जो पिन है DIR, तो DIR जो कि इसके बाद का जो पिन है वो है MICP, तो MICP का पिन है। उसके बाद जो पिन होगा वो होगा MICN, ठीक है। और इसके बाद जो होगा स्पीकर के लिए कनेक्शन होगा, उसके बाद जो पिन है वो भी स्पीकर के लिए, ठीक है। तो स्पीकर के लेफ्ट राइट के लिए हम लोगों को ये कनेक्शन करना होगा। इस तरह हम लोग इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसके मदद से जो सर्किट हमने बनाया है वो आज हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं आसानी से, वो सीखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं इस पर मैंने दो PCB लगाया है, जो कि इसके अंदर एक सर्किट होगा जो जिस पर हम लोग सिम लगाएंगे, तो वही सिम का जो सर्किट है इसके अंदर मैंने फिट किया है। स्पीकर को अंदर फिट किया है, बैटरी को अंदर फिट किया है, और माइक्रोकंट्रोलर जो है वो भी अंदर फिट किया है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो हमने PCB लगाया है इस पर डिस्प्ले और कीपैड हम लोग सेट करेंगे, ताकि मोबाइल देखने में छोटा हो और देखने में भी सुंदर हो। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फिट करेंगे। तो अभी हम लोग इस पर प्रोग्रामिंग अपलोड करेंगे, जो माइक्रोकंट्रोलर है उस माइक्रोकंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग अपलोड करके हम लोग इसको चलाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग प्रोग्रामिंग अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कंप्यूटर पे जाएंगे और प्रोग्रामिंग किस प्रकार से अपलोड करते हैं वो देखेंगे, साथ में सर्किट डायग्राम देखेंगे, कीपैड मोबाइल को किस प्रकार से हमने लगाया है।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो की आप देख रहे हैं ये है कीपैड, हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका कनेक्शन जिस प्रकार से होते हैं सेम टू सेम, हम लोग इस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे। और इसका अंदर का कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं, मेरा पिछला एक वीडियो है उस पर जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार से कीपैड मोबाइल को हम लोग, जो कि कीपैड है, उसको हम लोग किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो कि इस पे जाएंगे, तो देखिए कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है, जो कि जीएसएम का जो कनेक्शन है वहाँ पे हमने यस पे लिख दिया है, ठीक है। टीएक्स हम लोग लगाएंगे डिजिटल पिन 2 2 पे, ठीक है। और आरएक्स को हम लगाएंगे डिजिटल पिन 3 पे। इस प्रकार से ग्राउंड को लगाएंगे ग्राउंड पे। इस प्रकार से सभी कनेक्शन हमने दे दिया है। कीबोर्ड का जो कीपैड है उसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, सब कुछ इसमें लिखा आ रहा है। और अभी हम लोग जो कि कॉलिंग का जो और एसएमएस का जो प्रोग्रामिंग है उसको अपलोड करेंगे। तो अभी देख सकते हैं ये जो है ये कॉलिंग और एसएमएस का प्रोग्रामिंग है, इसको हम लोग डायरेक्ट अपलोड कर देंगे आर्डिनो पे, ठीक है। तो आर्डिनो ओनो पे हम लोग इसको अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद आर्डिनो ओनो जो है उसको अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद हम लोग इसको हम लोग फिट करेंगे इस सर्किट पे। और प्रोग्रामिंग और सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक स्पीकर लगाया है और माइक भी लगा दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक। तो इस माइक के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं और स्पीकर के माध्यम से हम लोग सुन सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको अभी हम लोग चला के देखाते हैं। और इस पर जो सिम हमने लगाया है वो आप लोग यूज़ करेंगे 2G सिम, ठीक है। तो 2G सिम के बदले अगर 4G लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 4G सपोर्ट नहीं है, तो ये सिर्फ 2G सपोर्ट है। तो अभी हम लोग इसको हम इस पर फ़ोन करते हैं, ठीक है। तो अभी इस पर हम लोग दूसरे मोबाइल से कॉलिंग करेंगे तो इस पर कॉलिंग आएगा, जैसे कि मैं इस मोबाइल से मैं इस पर कॉलिंग कर रहा हूँ। तो देखा आपने इस पर सिग्नल आ रहा है, जो कि साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे रिसीव करके हम लोग बात कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं ये आप लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो मैंने जो बनाया है आप लोगों ने देखा है, तो उसको ट्राई करके आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक मोबाइल फोन हम लोग बना सकते हैं, वो भी कीपैड मोबाइल। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए नहीं, थैंक यू दोस्तों, बाय।